हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्या शंकर तिवारी। बात पते की में आज मुद्दा है ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा आया कि क्या अगर कोई सरकारी डॉक्यूमेंट देश हित में कोई व्यक्ति किसी भी तरह से प्राप्त करता है, चुरा के प्राप्त करता है, किसी को कैसे भी दोस्ती में प्राप्त करता है और उस देश हित से जुड़ा मुद्दा होता है तो क्या वो क्राइम की श्रेणी में आएगा। दरअसल ये मुद्दा इसलिए आया कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका राफेल मामले को लेकर दाखिल हुई थी। प्रशांत भूषण ने ये याचिका दायर की थी और उस पर सुनवाई हो रही थी। उसमें ऐसे में द हिंदू की रिपोर्ट, वो रिपोर्ट सामने आई जिसको लेकर विवाद हुआ था कि कैसे एक अधिकारी ने, रक्षा मंत्रालय अधिकारी ने सवाल उठाए थे कि इस डील में ये प्रॉब्लम है उसको लेकर। हालांकि रक्षा मंत्री ने उनकी जिज्ञासा शांत कर दी थी, लेकिन हिंदू ने रक्षा मंत्री के कमेंट के बिना वो खबर छापी थी और उसके बाद ये मामला पहुँच गया कोर्ट। कोर्ट में एजी ने सवाल उठाए सरकार की तरफ से कि वो डॉक्यूमेंट चुराए गए हैं, उन पर हम एक्शन ले सकते हैं, चोरी का मामला बन सकता है, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट जो होता है वो लग सकता है, तो ऐसे में वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में ना पेश किए जाएं। तो ऐसे में अगर वाकई में कोई व्यक्ति देश हित में कोई खबर निकालता है, कोई डॉक्यूमेंट निकालता है, देश के सामने रखता है, अच्छी मंशा से रखता है, तो क्या वो सीक्रेसी एक्ट के तहत आएगा और क्राइम के तहत उस पर मुकदमा चलेगा। तो ऐसे में जो एक्टिविस्ट हैं, जो विसिल ब्लोअर हैं, और साफ तौर पे मैं बड़ी बात कहूँ तो पत्रकार हैं, क्या पत्रकारिता आदमी कर पाएगा, क्या कहते हैं तिवारी जी? देखिए, मामला ये सुप्रीम कोर्ट में जो शुरू हुआ था वो यहाँ से हुआ था कि जब ये रिव्यू पिटिशन लेकर के तीनों जने यशवंत सिन्हा और जो भी प्रशांत भूषण वगैरह लेकर के गए, तो जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने ऑब्जेक्शन, के वेणुगोपाल, उन्होंने ऑब्जेक्शन इस बात पे किया कि यदि इस स्टेज पे आकर के सीबीआई जांच का आदेश दिया गया तो देश का बहुत नुकसान हो जाएगा, देश हित से जुड़ा हुआ मामला है। फिर बात आई उस डॉक्यूमेंट्स की, तो ये हुआ कि इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन हुआ है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि फिर आपने इसमें कार्रवाई क्या की, तब उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई के लिए बता करवाई एक्शन लेकर के। अब इसमें सवाल यह है कि जो जर्नलिज्म है, जो जर्नलिस्ट होते हैं, वो कोई भी स्टोरी करने से पहले, उस तरह की जो इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी होती है उसको करने से पहले कहीं ना कहीं से डॉक्यूमेंट हासिल करते हैं, खासतौर से उन मामलों में जो रिस्की होता है, जिसमें कोई डिफेमेशन का सूट फाइल करते हैं तो वो लेते हैं। अब उसमें जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923, उसमें जो है जो दिया हुआ है इशू, जिस तरह से दिया हुआ है कि देश हित से जुड़ा हुआ मसला है, डिफेंस से जुड़ा हुआ मसला, अलग अलग उसमें कैटेगरी दी हुई है, यदि आप उसमें से कोई डॉक्यूमेंट ऐसे हासिल करते हैं तो वो अपराध है। उसमें 3 साल से लेकर के और फिर अधिकतम 14 साल तक की उसमें सजा का प्रोविजन है। उसमें कई, अभी हाल के दिनों में कई ऐसे मसले आए हैं जिसमें कि एक हाई कमीशन का मसला था, दूतावास का मसला था, जिसमें कि एक महिला को सजा भी हुई है जो 3 साल की सजा भुगत रही है। और इसके पहले भी कई पत्रकारों से जुड़े मसले रहे हैं जिसमें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उनके ऊपर लगे, अब उनका यहाँ जिक्र करना ठीक नहीं होगा। तो यदि इस तरह से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा, इसमें दो चीज़ देखने वाली बात है कि ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो उसको मानता है चोरी कि नहीं मानता है। अब मान लीजिए कि जर्नलिस्ट यदि देश हित में अपनी खबर के लिए उसको निकालता है, ये हाई लेवल पर भी डिस्कस हो चुका है ब्यूरोक्रेसी के बीच में, तो क्या इसको माना जाए कि उसने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन किया? सर, इसमें एक दूसरा पहलू भी है। सपोज कीजिए कोई रिपोर्टर, उसके पास कुछ ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं जो डिफेंस से जुड़े हैं या और सरकारी किसी कामकाज से जुड़े हैं, जो बहुत सीक्रेट डॉक्यूमेंट हैं, वो कैसे भी वो रिश्वत दे के कैसे भी अपने दोस्तों के थ्रू रक्षा मंत्रालय में और कहीं से होम मिनिस्ट्री में निकालता है। वो डॉक्यूमेंट छपने नहीं गए होते अभी तक, मीडिया में छपे नहीं हैं, उन जिस मीडिया कंपनी में काम करता है वो छपते नहीं, उसके पास पकड़े जाते हैं, तो देशद्रोह का मामला बनेगा कि नहीं बनेगा? यस, बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें ये बात आती है कि आखिरकार यदि आपने उसे नहीं छापा, एक टाइम गैप तो देखा जाएगा कि कितने, कब आपने इस डॉक्यूमेंट को हासिल किया था और कब तक आपके पास पड़ा रहा और आपने उसे नहीं छापा, तो टाइम गैप देखा जाएगा कि क्या आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ खबर प्रकाशित करना था या चैनल में चलाना था या सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में चलाना था। यदि आपका सिर्फ ये मकसद है और उससे कोई आप लाभ लेने की कोशिश नहीं कर रहे, तो निश्चित रूप से आपका इंटेंशन, लेकिन ये साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल साबित करना मुश्किल हो जाएगा। उसमें जब वो टाइम पीरियड देखा जाएगा, सपोज कि आप 1 तारीख को हासिल करते हैं और 15 तारीख तक उस पर कोई स्टोरी नहीं करते हैं या 1 महीने तक कोई स्टोरी नहीं करते हैं, तब ये अपने आप में साबित हो रहा है कि आपका मकसद कुछ और होगा। क्योंकि ऐसे कुछ पत्रकार पहले मिले, उन पर केस चले हैं। हाँ, बिल्कुल केस चले हैं। और कुल मिला जुला करके यदि लंबे समय तक उस कागज को हासिल करने के बाद आप कोई स्टोरी नहीं करते हैं, तो इसका मतलब कि आप इंटेंशन क्लियर है कि आप कुछ और आपका मकसद है। लेकिन यदि कोई जर्नलिस्ट सिर्फ खबर के मकसद से निकालता है, उसे छापता भी है, बेशक वो टुकड़े टुकड़ों में छाप रहा हो,
तो फिर आप यदि उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा करके मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेंगे तब तो ना कोई विसिल ब्लोअर आगे आएगा ना कोई जर्नलिस्ट आगे आएगा। और ये इतना ही मामला नहीं रुकने वाला, इसको देखिएगा, इस पर तो खैर सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है कि वो इसको ले उस रूप में कि नहीं ले, क्योंकि जो तीन जजों की बेंच सुनवाई कर रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में, उसमें से एक जज शायद इससे सहमत होते हुए नहीं दिख रहे थे कि फाइनली क्या स्टैंड लेता है सुप्रीम कोर्ट, कि वो मानेगा कि नहीं मानेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से उसके डिसीजन के ऊपर है। एक पहलू और है कि कोई डॉक्यूमेंट निकलता है, जैसे द हिंदू ने निकाला, बाद में आरोप लगे कि आपने केवल उतना डॉक्यूमेंट निकाला, उतना छापा जिससे कन्फ्यूजन बरकरार रहे, वो एंटी बीजेपी स्टोरी जाए, और आपने कंक्लूजन जो था रक्षा मंत्री का जो कमेंट था वो बाद में आपने नहीं छापा, बल्कि सरकार की तरफ से सरकार से परिचित जो भी जर्नलिस्ट निकाल के लाए उन्होंने वो निकाला कि असल कहानी ये थी, तो क्या कन्फ्यूजन इसमें कोई मामला नहीं बनता? देखिए अब होता क्या है कि हम लोग भी रिपोर्टिंग किए हैं कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट निकाल करके ले आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उतना ही वाला पोर्शन शो करते हैं जितना कि हमारे काम का दिखता है कि इससे हमारी स्टोरी को धार मिल रहा है। कभी भी हम उसके उस डेप्थ में नहीं जाते हैं। यदि उनका पक्ष है तो साफ साफ सा लगता है, हम उसमें जो सीनियर्स होते हैं वो भी इस बात को बोलते हैं कि इससे तो स्टोरी ही किल हो जा रही है, जहां दूसरे पक्ष की बात आती है उससे तो स्टोरी ही खत्म हो माना जाए कि पत्रकारिता सच बताना नहीं है बल्कि स्टोरी करना। निश्चित रूप से आप मान सकते हैं कि जो आज की पत्रकारिता का दौर है उसमें मिर्च मसाला लगाया जाता है, लेकिन यदि वो डॉक्यूमेंट के हवाले से मैं कह रहा हूं कि आधा पोर्शन ही छापा है तो भी आप इस आधार पर कैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाएंगे? फिर कोई विसिल ब्लोअर आगे नहीं आएगा, कोई जर्नलिस्ट आगे नहीं आएगा। और सिर्फ एक सिर्फ राफेल का मसला नहीं है, आप देखिए टूजी का मसला उठा करके देख लीजिए, चारा घोटाले का देख लीजिए, कॉमनवेल्थ का देख, जितने भी घोटाले हुए हैं उसमें हमेशा कोई ना कोई जर्नलिस्ट ही आगे आया है और उन्हीं डॉक्यूमेंट के हवाले से उसने स्टोरी की है, तब जा करके वो मामला तुल पकड़ा है। तो क्या ये लगता है आपको कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई फैसला देता है कि पत्रकारिता की क्या सीमा है, कितना दिन पहले वो निकाल सकता है डॉक्यूमेंट, कितना वो छाप सकता है, अगर ये क्योंकि यहाँ कोई फैसला आता है तो उसका सीधा सीधा जो प्रभाव है वो नीचे के लेवल तक, तहसील के लेवल पर या टाउन के लेवल पर जो पत्रकार काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई नियम लागू नहीं होता, वहाँ कोर्ट को भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट अगर मिलता है पत्रकार के पास तो नेचुरली वहाँ पर एक्शन लेना उनके लिए आसान होता है क्योंकि उसे बचाने के लिए कोई कोर्ट सामने नहीं आती है। तो क्या ये नज़ीर साबित हो सकता है अगर इसमें? देखिए मेरा अपना मानना है कि ये वो दौर है 21st सेंचुरी का, जबकि हम इस बात पर हर जगह जोर दिया जाने लगा है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए सिस्टम में। यदि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए तो मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई स्ट्रक्चर और ऐसा कोई रूल पास करने नहीं जा रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये बात चूंकि राफेल और देश हित से जुड़ा हुआ मसला है, डिफेंस से जुड़ा हुआ मसला है और सरकार से उन्होंने कार्रवाई के लिए पूछा है, तो सरकार हो सकता है कि FIR दर्ज करके और सूचित कर दे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ बोले, लेकिन ओवरऑल कोई ऐसा आदेश पारित करने जा रहा मुझे ऐसा नहीं लगता, अदरवाइज तो फिर कहीं से कोई बात निकल करके आएगी ही नहीं। तो काफी मुश्किल मामला है कि एक तरफ कोई पत्रकार कैसे पत्रकारिता कर पाएगा अगर वो कोई डॉक्यूमेंट सरकार की बिना मर्जी के ऐसा देश हित में नहीं निकाल पाएगा, और जाहिर है सरकार से मांगेगा तो सरकार तो कोई सी भी चाहे वो स्टेट की हो केंद्र की हो देने वाली नहीं है क्योंकि वो अपने खिलाफ वो स्टोरी पसंद नहीं करेगी, लेकिन अगर वहाँ कुछ गलत हो रहा है तो उसे वो गलत तरीके अपनाने पड़ेंगे, वो ऐसे अवैध तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे कि वो स्टोरी या वो राज खुलासा हो जिससे देश के पैसे को देश की साख को बट्टा लगाया जा रहा है, तो पत्रकार ऐसी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकार के लिए भी उसका संस्थान ये कहीं ना कहीं उसे नज़र रखनी होगी कि वो इस स्टोरी का, इस डॉक्यूमेंट निकालने के तरीके का और जो डॉक्यूमेंट निकल के आएगा उसका कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। तो इस बारे में और जो भी कुछ एक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट में से कोई खबर आएगी, कोई कमेंट आएगा, कोई फैसला होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।